गाइस आज हम लोग फुल टू पार्टी करने वाले हैं क्योंकि आज मेरे यार की शादी है। यो व्हाट्सअप गेमर्स, इट्स योर बॉय एपिक एंड गाइस आज हम लोग फाइनली आखिरी बार अपनी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज खेल रहे हैं। और अब मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग कहोगे बट एपिक माइनक्राफ्ट का न्यू अपडेट आने वाला है। आई नो मुझे पता है, लेकिन जब वो अपडेट आएगा तब देखा जाएगा। तो गाइस आज के एपिसोड में हम लोग हाँ पार्टी तो करेंगे ही। ये देखो तभी तो ये ढिंचिक ढिंचिक डीजे फ्लोर बनाया है मैंने, तो पार्टी तो होगा भाई। लेकिन क्या तुम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग पार्टी क्यों करेंगे? नहीं। तो गाइज आज हम लोग पार्टी इसलिए करेंगे क्योंकि आज पोपला पोपली की शादी है। यस गाइज आज इन दोनों की शादी है। तो गाइज इसी खुशी में हिल हिल के नचो नचो, हिल हिल के नचो नचो। तो इसी खुशी में आज का लाइकेम मैं रखता हूँ। वैसे लाइकेम मैं कभी रखता नहीं जल्दी, लेकिन आज मैं लाइकेम रख रहा हूँ। एंड इस वीडियो का लाइक एम रहेगा 1 लाख लाइक्स का। आई नो कुछ ज्यादा ही बड़ा लाइकेम रख दिया, लेकिन आज तो पूरा कर ही डालो तुम लोग इसे। एंड हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी दबा दो। बहुत सारे लोगों ने अभी तक सच्ची में सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाक फटाक सब्सक्राइब भी दबा दो। तो देखो इन लोगों की शादी तो अटेंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तुम लोग को अपना अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस दिखा देता हूँ, जिसका मैंने पिछली बार इंट्रेंस बनाया था लेकिन बेस नहीं बना पाया था। तो ये देखो, ये रहा मेरा सीक्रेट इंट्रेंस, और यहाँ से खुल जाएगा मेरा सीक्रेट इंट्रेंस। सही में ये तरीका बड़ा मस्त है, मतलब किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि यहाँ नीचे सीक्रेट इंट्रेंस हो सकता है। ये देखो मैंने इसे बंद कर दिया, एंड किसी को शक भी नहीं होगा कि यहाँ नीचे कुछ हो भी सकता है। इसके नीचे मैं पूरा अपना माल पानी छुपा सकता हूँ। यू नो आई एम वेरी वेरी रिच, 100 से भी ज्यादा डायमंड है, करोड़ों से भी गोल्ड है। ये कुछ ज्यादा ही फेंक दिया, लेकिन डायमंड वाली बात सच्ची है, मेरे पास 100 से भी ज्यादा डायमंड है। तो चलो इसके नीचे तुम लोग को जाके दिखाता हूँ। एंड रुक जाओ, तुम लोग का हमेशा ये कंप्लेंट रहता है कि बाहर से कोई घुस जाएगा इसके अंदर, लेकिन ये देखो प्रॉब्लम सॉल्व, अब बाहर से कोई अंदर भी नहीं आ पाएगा। तो फाइनली मैं तुम लोग को अपना सीक्रेट रूम दिखाता हूँ। एंड टडा, ये देखो ये रहा मेरा सीक्रेट रूम, कितना खतरनाक लग रहा है ना। एंड गाइज मैंने इस रूम को सर्वाइवल में बनाया है। चल झूठा, क्या फर्क पड़ता है, आखिरी दिन है, बस इसे मुझे सुंदर बनाना था। एंड देखने में सही में कूल लग रहा है। तो यस ये रहा मेरा सीक्रेट रूम, जहाँ पे मैं छुपा सकता हूँ अपना खजाना। एंड अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने खजाना अभी तक छुपाया क्यों नहीं है, तो मैं तुम लोग को बता दूं, उस साइड से इस साइड खजाना लाना पड़ता है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। मेहनत वाला काम था इसीलिए मैंने बोला तो रहन दो फिर। तो गाइस ये तो तुम लोगों को मैंने दिखा दिया, अब फाइनली चलते हैं पोपला पोपली की शादी अटेंड करने। तो गाइस इन दोनों की शादी करवाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को हवन कुंड का इंतजाम करना पड़ेगा, मेरा मतलब है कैंप फायर। तो फटाक सा उसे बना लेते हैं। एंड इसके लिए स्टिक, कोल एंड वुड चाहिए, ठीक है। तो ये रहा वुड एंड कोल, हाँ ये रहा कोल, थैंक गॉड कोल था मेरे पास, नहीं तो लगा मुझे फिर से कोल के लिए माइनिंग पर जाना पड़ेगा। और ये बन गया हमारा स्टिक, एंड अब फाइनली हम लोग कैंप फायर बना सकते हैं। अरे क्यों नहीं बना सकते, मेरे पास वुड तो है। अच्छा प्लैंक्स नहीं, वुड चाहिए मुझे। स्टूपिड, ये रहे वुड, एंड ये रहा हमारा हवन कुंड। इसी के चारों तरफ तो वो लोग साथ फेरे लेंगे। मैं भी क्या बच्चे वाली हरकत कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, किसी दूसरे एपिक व्यक्ति ने कहा था कि दिल तो बच्चा है जी। तो पोपला एंड पोपली, ये देखो ये रहा आपका हवन कुंड। अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, हवन करेंगे। ओ भाई, ठीक है मेरा हवन हो गया, अब मैं चलता हूँ। एंड हाँ मैंने इन दोनों के कॉलर का कलर चेंज कर दिया है। पोपला हमारा हो गया ऑरेंज एंड पोपली हो गई हमारी पिंक। तो गाइज अब फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। ओ नहीं रुक जाओ गाइज, पहले सारे इम्पोर्टेंट गेस्ट को भी तो इनवाइट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे गेस्ट हो गए हमारे मारू फैमिली, हमारे चुनचुन मारू, हमारे टुन्नी मारू एंड हमारे चुन्नी मारू, सॉरी चुनचुन्नी मारू। चलो तुम्हारे फ्रेंड्स की शादी है, सबसे पहले चलेगा हमारा चुनचुन मारू, मारू खानदान का लीडर। ओके आ गया चुनचुन मारू, प्लीज यहाँ से कहीं मत जाना। A few inches later.
भाई मुझे इस पे भरोसा नहीं है, मैं इसे लीड लगा देता हूँ। अब चलो टुन्नी मारू एंड चुनचुन्नी मारू को भी लेके आ जाते हैं। तो भाई हमारे साथ चुनचुन्नी मारू, लेट्स गो। इसे भी मैं लीड लगा ही देता हूँ। एंड अब फाइनली आ गया हमारा टुन्नी मारू, चल मेरे घोड़े टिक डिग डिग। इस पे भी मैं लीड लगा देता हूँ। भाई इन लोगों पे मुझे भरोसा नहीं है। तो ये देखो ये तीनों यहाँ से शादी को आराम से देख सकते हैं, और ये सब भी यहाँ से शादी को आराम से देख सकते हैं। हमारे दोनों तोताराम एंड आइस चैंड एंड फोर व्हीलर। तो अब बस तीन लोगों को और लाना है, हमारा पांडा, हमारे इनामीना टीका एंड हमारे विलेजर के फैमिली को। सभी के लिए मुझे बोट का इंतजाम करना पड़ेगा। हो गया, एंड लीड भी चाहिए होगा, लीड भी चाहिए होगा। ये रहा लीड। तो सबसे पहले चलेंगे हमारे बैम्बू चैन। बैम्बू चैन प्लीज बोट में बैठ जाओ, बोट में, बोट में प्लीज। नहीं, ओके, इसका शादी अटेंड करने का मन नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब जबरदस्ती थोड़ी ले जा सकता हूं मैं, लेकिन अपने साथ इना मीना टीका को तो जरूर ले जाऊंगा। कहीं नहीं जाते ये लोग, हमेशा यहां घर पे पड़े रहते हैं। आज तुम लोग को शादी अटेंड करने चलना पड़ेगा। ये आ गया इना टीका, मीना वहीं रुक गया है, उसे भी लाने दो। और ये आ गया फाइनली मीना भी। अब ये तीनों भी यहां पे आ चुके हैं, अब बस विलेजर्स को लाना है। यार ये लोग तो बड़ा ड्रामा करेंगे। ओए ड्रामेबाज, सब चुपचाप बोट में बैठते जाओ, तुम भी बैठो जल्दी। नहीं, वन डेथ टू सोसाइटी लेटर। फाइनली गाइस ये चारों बोट में बैठ गए हैं, एंड पूछो मत कितना टाइम लगा है। अब बस इन चारों को वहां पे ले जाना पड़ेगा मुझे। नैया चलाओ, शादी अटेंड करके आओ। तो दोस्तों फाइनली सभी लोग आ चुके हैं शादी अटेंड करने। ये देखो इसे भी मैंने यहाँ पे ले आया है, ऐसे नहीं मान रहा था, इसे खूब ढेर सारा बैम्बू खिलाना पड़ा मुझे, बैम्बू का लालच दिया तब ये यहाँ पे आया है। तो गाइस फाइनली सारे मेहमान यहाँ पे अवेलेबल हैं, हमारी किटी कैटी भी यहाँ पे आ चुकी है, बस यही आई है, बाकी सबने मना कर दिया। तो गाइस शादी आरम्भ की। लामा द ड्रामा कहाँ गया? सही में लामा द ड्रामा कहाँ गया? इसीलिए मैं उसे ड्रामेबाज बुलाता हूँ, हर बार इधर उधर भाग जाता है। अरे यार यहीं कहीं तो घूम रहा था, पता नहीं कहाँ भाग गया। रुक जाओ इलाइट्रा से ढूंढने दो। पता नहीं यार गधेड़ा कहाँ भाग गया है, ये देखो कहीं नहीं मुझे दिख रहा है। मैंने गलती से उसका नाम लामा था ड्रामा रख दिया, लेकिन अब तो सच्ची में वो लामा था ड्रामा हो गया है। मिस्टर का क्या आपको पता है लामा था ड्रामा कहाँ भाग गया? यार इन लोगों को छोड़ देता हूँ। हंसी खुशी का माहौल है इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया, नहीं तो इसकी तो बैंड बजा ही डालता मैं। ओहो, स्मूथ लैंडिंग, यस। तो गाइस अब सच्ची में वो समय आ गया है जब ये दोनों साथ फेरे लगाएंगे, एंड मैंने शादी का इंतजाम बड़ा ही घटिया किया है। देखो मेरी गलती नहीं है, इन्हीं दोनों को शादी करने की जल्दी थी। तो गाइस फाइनली शादी आरम्भ किया जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु। A few minutes later. और इसी के साथ सात फेरे समाप्त हुए हैं। आज से आप दोनों का प्रमोशन हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ। अब चलो चलो तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो। एंड गाइज ये देखो मेरे पास तुम दोनों के लिए क्या है, अब तुम लोग फाइनली कुछ चुप चुप कर सकते हो। ये लो खा लो, जितना खाना है खा लो। एंड गाइज ये देखो ये रहा हमारा छुटंकी, ओ कितना क्यूट है। ये लो तुम्हें जितना खाना है तुम भी खा लो। ओए होए होए, इस छोटे राजा के खुशी में पार्टी तो बनती है। एंड गाइज अब चालू होता है हमारा पार्टी। ओए डांस करो तुम लोग, डिंचिक 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 डिंचिक। ओए होए होए, पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है, ये देखो ये कितना मस्त डांस कर रहा है। क्या तुझे डांस नहीं आता? नहीं। अच्छा इसे डांस नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझे तो आता है, मैं तो करूंगा डांस। एंड गाइस अब बस एक छोटा सा काम बचा है, अपने पोपला पोपली को एक थ्रोन देना जहाँ पे बैठ के वो लोग राज कर सके, एंड वो थ्रोन मैं बनाऊंगा डायमंड का। कहा ना डायमंड की कमी नहीं है मेरे पास। ओ इससे भी ज्यादा डायमंड थे मेरे पास, इस साइड रख दिया होगा शायद मैंने, हाँ बोला ना मेरे पास 100 से भी ज्यादा डायमंड है। भाई गोल्ड की तो सच्ची में कोई कमी नहीं है मेरे पास। तो सारे डायमंड का पहले तो मैं डायमंड ब्लॉक बनाऊंगा, यस 10-10 डायमंड ब्लॉक हो गए हैं, एंड गोल्ड का भी ब्लॉक ही बना डालता हूँ। एंड ये हो गए हमारे 42 गोल्डन ब्लॉक्स। देख रहे हो तुम्हारा भाई कितना अमीर है माइनक्राफ्ट में। एंड हाँ मैं पोपला पोपली के बेटे का नाम टोपला रखने वाला हूँ, तो ला छोड़ो हटाओ टोपली कर देता हूँ, पोपला पोपली टोपली, मस्त राइम कर रहा है। तो गाइज आज से इसका नाम टोपली। अब चलो फाइनली इन तीनों के लिए इनका थ्रोन बना दिया जाए, वो भी डायमंड ब्लॉक का, साथ में ऑब्वियसली गोल्ड भी यूज करने वाला हूँ मैं। A few minutes later. तो गाइज ये देखो ये रहा इनका थ्रोन।
सेंटर पोजीशन तोपली ने हथिया लिया है और इस साइड हमारा पोपला एंड इस साइड हमारी पोपली। ये देखो ये देख भी रहा है प्रिंस जैसा। तो गाइज आज से हमारे इस कैसल की जिम्मेदारी इन तीनों पे, पोपला हमारा किंग, पोपली हमारी क्वीन एंड ये हमारा प्रिंस। देखो तुम ही तीनों को इन सभी का ख्याल रखना है। आज से बैडलैंड की जिम्मेदारी तुम तीनों पे। ओ भाई जिम्मेदारी का नाम सुनते ही प्रिंस बड़ा हो गया। फाइनली इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है। तो आई थिंक सो ये तीनों आराम से हमारे कैसल को संभाल लेंगे। तो गाइज इसी के साथ हमारा सर्वाइवल सीरीज यहीं पे एंड होता है। काफी लंबी जर्नी रही है एंड इसी सीरीज ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। पता नहीं इस वर्ल्ड में दोबारा आऊंगा या फिर नहीं आऊंगा, लेकिन इतना पता है कि ये सीरीज मेरे लिए बहुत ही मजेदार था। और अगर तुम लोगों को भी मजा आया होगा तो आज की इस वीडियो का लाइक एम पूरा कर देना, 1 लाख लाइक्स। थोड़ा सा बड़ा लाइक एम है लेकिन इपिक आर्मी भी बहुत पावरफुल है, तो तुम लोग पूरा कर दोगे मुझे पता है। एंड इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड होता है। सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Watching seasons change.